फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, तब जाके वहां पे जो इंडस्ट्री है वो सेटअप की जाती है। तो मान लो आपको कोई घर खरीदना है या फिर कहीं घर बनवाना है, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे? आप ये देखोगे कि क्या उस जगह पे जहाँ पे आप घर ले रहे हो या बनवा रहे हो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्या उस घर में पानी अच्छे से आता है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, क्या वहां पे आपका स्कूल पास में है कि नहीं, पेरेंट्स का ऑफिस पास में है या नहीं, बाकी कोई और फैसिलिटीज जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट वगैरह पास में है कि नहीं, बैंकिंग सर्विसेज, मतलब जो भी हमारी डेली यूज की चीजें होती हैं, क्या वो सभी सर्विसेज वहां पे इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये सभी चीजें जो है आप देखोगे और तब जाके आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ घर लेना है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखे जाते हैं, और उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो फाइनलाइज की जाती है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ये सभी जो है वो है फैक्टर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, की एक इंडस्ट्री जो है वो इन फैक्टर्स के बेसिस पर ही फाइनलाइज की जाती है कि वो किस लोकेशन पे उसको रखा जाएगा। सो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। जैसे आपको केक बनाना है तो केक जो है वो कैसे बनता है, उसके लिए आपको मैदा है चाहिए, घी, चीनी, ये सब आपको चाहिए, ठीक है, बेकिंग पाउडर हो गया, सोडा हो गया, तो ये सभी चीजें जो इंग्रेडिएंट है ये क्या है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि इन सभी चीजों को मिला के आपका फाइनल प्रोडक्ट केक जो है वो बना है। तो रॉ मटेरियल हम उन सभी चीजों को कहते हैं जिनको मिलाकर, जिनको यूज कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है। तो अगर रॉ मटेरियल ही इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे इंडस्ट्री लोकेट करने का क्या फायदा है ना। अब मान लो आपको चाय की फैक्ट्री खोलनी है, ऐसी फैक्ट्री खोलनी है जिसमें चाय पत्ती बनती हो, तो चाय पत्ती वगैरह जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पे अच्छी बनती है, वहां पे जो है चाय पत्ती उगती है, और आप कहीं वेस्टर्न एरिया में जाके फैक्ट्री खोल लो तो बताओ कोई फायदा होगा? आपको चाय की पत्तियां जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब जितने टाइम में आप ट्रांसपोर्ट करोगे हो सकता है उतने टाइम में वो जो पत्तियां हैं वो वैसे ही सूख जाएं, खराब हो जाएं, और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्ट करने की। तो इससे बेटर क्या है कि जहां पे जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, जिस जगह पे नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है जहां पे इजीली अवेलेबल होती है चाय की पत्तियां, वहां पे आप फैक्ट्री सेटअप कर लो ताकि इजीली उनसे जो चाय पत्ती है वो बनाई जा सके। तो इस तरीके से जहां पे इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लगेगी रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस जगह पे जो इंडस्ट्री है वो सेटअप की जाती है। फिर लैंड, अगर जो लैंड है वहां पे सस्ती मिलेगी, अगर जितनी लैंड आपको चाहिए उतनी लैंड आपको मिल रही है या नहीं, तो ये सभी चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी, कोई भी इंडस्ट्री हो कोई भी फैक्ट्री हो वहां पे वाटर के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, तो वाटर अगर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, अगर पानी की सप्लाई ही अच्छे तरीके से नहीं है, तो भी फैक्ट्री को जो है वहां पे सेटअप करना मुश्किल होगा। लेबर, अब इंसानों के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, भले ही मशीनें भी हैं फैक्ट्री में, बट उन मशीनों को कौन ऑपरेट करता है, इंसान ही ऑपरेट करते हैं, और लेबर के बिना इसीलिए कहीं पे काम नहीं हो सकता। तो जहां पे लेबर आसानी से मिल भी जाए तो ऐसी जगह पे जो है प्रेफरेबली इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता है। पावर मतलब बिजली की बात की जा रही है, मशीनें जो है और जो पूरी फैक्ट्री है इंडस्ट्री है वो कैसे चलती है, बिजली से ही चलती है, तो पावर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर दिन में मान लो 4 घंटे ही 6 घंटे ही बिजली आ रही है तो प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री में काम नहीं, पावर की अवेलेबिलिटी जरूरी है। कैपिटल मतलब कि पैसा जो लग रहा है, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो एडिकेट है या नहीं, या फिर जिस जगह पे आप फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हो वहां से आपको इजिली कैपिटल अवेलेबल हो सकता है कि नहीं, आपको पैसा जो है वहां पे आसानी से मिल सकता है या नहीं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज वगैरह अच्छे से है या नहीं, जिस जगह पे आप कर रहे हो सेटअप वहाँ की मार्केट कैसी है, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट तो जैसे मैंने आपको रॉ मटेरियल के केस में ही बता दिया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी तो उस एरिया में भी इंडस्ट्री को लोकेट करना मुश्किल होता है। और मार्केट, अब आप जो है आपने सामान तो बना लिया, बट उस सामान को बना के करोगे क्या अगर उसे बेच ही नहीं पाओगे? आपको प्रॉफिट जो है वो तो तब मिलेगा ना जब आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, और बेचोगे कहाँ, मार्केट में। अगर मार्केट ही पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप मार्केट के पास ही फैक्ट्री को लोकेट नहीं करते हो, तो अगेन आपको ट्रांसपोर्ट करने में, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में अल्टीमेट कंज्यूमर को, तो वो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है मार्केट के पास इंडस्ट्री को लोकेट करो।
अब ऐसा नहीं है हर जगह पे ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हों। हो सकता है कुछ जगह पे कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हों, दूसरे आसानी से ना अवेलेबल हों। तो इसके हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं कि किस फैक्टर के साथ वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह हर चीज इजीली अवेलेबल होगी, तो कई जगह हो भी सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। तो जो कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करती हैं कि वो किस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं कि ठीक है यहाँ पे ये चीज इजीली अवेलेबल नहीं है बट बाकी हैं। तो मैक्सिमम चीजें देखी जाती हैं जहां पे इन फैक्टर्स में से मैक्सिमम फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होंगे वहां पे इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना वो इंडस्ट्री ओनर्स को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड कराती हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती हैं। इंसेंटिव मतलब फायदे, कुछ फायदे देती हैं, कुछ उनको छूट देती हैं। तो फायदे कैसे, जैसे छूट मिल गई, सब्सिडाइज पावर्स। सब्सिडाइज मतलब क्या है, जो सब्सिडी होती है उसका मतलब क्या होता है, आपको छूट मिल रही है। तो सब्सिडाइज पावर मतलब कि आपको जो बिजली है उस पर थोड़ी छूट मिल रही है। मान लो और लोगों को बिजली पे 6 रुपए पर यूनिट देना पड़ रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि आप इस जगह पे जो इंडस्ट्री है वो लगाओ और आपको बिजली के लिए सिर्फ 4 रुपए पर यूनिट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको पावर पे छूट दे दी। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी वो कम प्रोवाइड कराती है कि ठीक है आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हम आपको थोड़ी छूट देंगे, आप ट्रांसपोर्ट करो और जितना आपको लगेगा उसका हम 10% आपको दे देंगे, है ना, इस तरीके से। और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी वो थोड़ी छूट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कभी कभी टैक्स में छूट देते हैं कि आप अगर इन जगहों पे इंडस्ट्रीज सेटअप करोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ये इंसेंटिव्स क्यों प्रोवाइड करा रही है, ताकि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके, ताकि वो जो बिजनेसमैन हैं उन्हें एक तरीके से उत्सुक कर सके, उन्हें थोड़ा लालच दे सके कि वो जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे भी जाके इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। और इसीलिए वो इतने सारे इंसेंटिव्स, इतनी सारी सब्सिडीज इन कंपनीज को प्रोवाइड कराती हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इतनी सारे इंसेंटिव सब्सिडीज दे रही हैं बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि इससे ना जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट उस एरिया का होने वाला है, अगर वहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि लेबर की जरूरत होगी। तो वहां पे गांव, अगर कोई पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पे गांव होंगे, कस्बे होंगे, तो उसमें रहने वाले लोगों को जॉब मिल जाएगी इंडस्ट्री में। और अगर इंडस्ट्री रहेगी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो इनको एनकरेज करने के लिए क्या करेगी, प्रॉपर रोड बनवाएगी कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे प्रॉपर रोड बनवा देते हैं, पानी की फैसिलिटी अवेलेबल करवा देते हैं, बिजली ज्यादा टाइम पे देने लगेंगे वो। तो इस तरीके से पूरा ही डेवलपमेंट होने वाला है। अगर किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें भी फायदा होता है। कैसे फायदा होगा, कि जो गवर्नमेंट है उन्हें सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी। जो इंसेंटिव्स हैं वो सिर्फ सब्सिडीज की फॉर्म में नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया कभी कभी वो टैक्सेस पे छूट दे देते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में, किसी बैकवर्ड एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको हम टैक्स में छूट दे देंगे, आपको ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होता है और साथ ही साथ वहां पे रहने वाले लोग जो हैं बैकवर्ड एरिया में उन्हें भी फायदा होता है, और ओवरऑल जो बैकवर्ड एरिया है उसकी डेवलपमेंट होती है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो बनाया हुआ है, इसमें सारे फैक्टर्स क्लियरली दिखाए हुए हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होने वाली है।